भाई साहब मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में बस। हाँ तो भाई भीड़ देख के पगला गया हूँ मैं, सही में सही बताऊँ तो ये इतना भीड़ जो है जब जमीन खरीदने के लिए यहाँ पे। अरे फिर वो कहा नहीं भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि बैंक ही वो 5 स्टार होटल आ रहा है, मैंने एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पे है, एक्सप्रेस वे फिल्म इंडस्ट्रियल आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है यहाँ, बोल बता रहा था लोग कि मुंबई से भी बड़ा यहाँ फिल्म सिटी बना है। यहाँ तो गोपालगंज में सोच रहे थे लेकिन यहाँ अब यहीं होगा। ये देखे इधर को बाने काट ले जाइए, जबकि देखे काट के पता चली मिला ले लो अपने ना, यहाँ मिक्स लोग है ना, क्योंकि बिहार यूपी झारखंड मिले पंजाब हर क्षेत्र के लोग हैं, तो यहाँ बिहार के तो डर के ना सब जगह तो सब लोग को हुई दिल्ली के पर्सनल लोग थोड़े अकेले हो रहे हैं, समझे बिहार के है कौन का बांधना कटे के। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आपका गोपालगंज वाला भाई ये अभी दिल्ली में पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये दिल्ली के जेवर एयरपोर्ट के पास हैं, जो 2-3 दिन पहले मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, शिलान्यास किया था, जिसका जेवर एयरपोर्ट विश्व का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा, देश का भी सबसे बड़ा, इससे पहले देश का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहाँ पे 3 रनवे था, 3 या 4 रनवे था, यहाँ पे 4 रनवे होने वाला है, और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का अगर बाउंड्री वॉल की केवल बात करें तो 170 किलोमीटर का होगा, और यहाँ पे जैसे मोदी जी अभी आए और यहाँ शिलान्यास किया, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाइए, भीड़ उमड़ पड़ी है यहाँ पे जमीन में लोगों की, यहाँ मतलब इतना कहीं प्रॉपर्टी के लिए मार हम कहीं आज तक फर्स्ट बार जीवन में अपने देख रहे हैं, मतलब जितने लोग आए हैं कोई दिल्ली से कोई है कोई पंजाब से है कोई कहीं से है, मतलब इतना भीड़ हम बुकिंग के लिए पहले भी हम बहुत सारे लोग को जो वीडियो बनाए हैं देखे हैं ऐसा नहीं देखे हैं। अच्छा जैसे कुशीनगर के पास एयरपोर्ट का वो उद्घाटन हुआ, वहाँ भी हम लोग पहुँचे थे लेकिन वहाँ कुछ ऐसी कंपनियाँ नहीं मिली जहाँ इन्वेस्ट कर सकें, हम लोग वहाँ भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे मोदी पहुँचे थे हम लोग दिल्ली के रूट पे निकले हुए थे, तो हम लोग यहाँ पहुँचे कि तलाश करें ऐसा कुछ, और देखिए यहाँ भीड़ देख के हम यहाँ पे आए, और सौभाग्य से यहाँ के जो जनरल मैनेजर थे हमारे बिहार के भाई थे उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ हम लोग वीडियो शूट किए, और वो पूरा वीडियो आप मेरे अभिषेक हुसैन ब्लॉग्स चैनल पर देखेंगे कि कैसे आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, जैसे हम लोग का प्लान बन चुका है, हम लोग भी यहाँ बात किए हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे और आपका यहाँ पे अच्छा लगा तो 2024 तक मतलब रखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं अच्छा नहीं नहीं देखिए घर अच्छा बनाने के लिए जमीन वही लीजिए जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, लेकिन अगर आप बैंक में पैसे रख के वेट कर रहे हैं कि भाई पैसे बढ़े, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें 2024 में। आज के समय में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरिया जितने लोग धनी हुए हैं तो एक तो शेयर से शेयर में ज़्यादा माथा पच्ची है, तो जमीन में है कि आपको कुछ नहीं भी आता वो पैसा है लगा दीजिए, लोकेशन देख लीजिए, इससे बेस्ट कहीं आपको मिल नहीं सकता है लोकेशन इतना सारा फैसिलिटी के साथ, एक्सप्रेसवे है आपको मेट्रो बता रहे थे मेट्रो नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग जैसे गांव में आप देख रहे होंगे दिल्ली में लोग रहते हैं कहते हैं कि हमने दिल्ली में घर बनवा लिया, दिल्ली में जमीन है कहाँ, दिल्ली में तो जमीन है नहीं, जो लेते हैं हरियाणा में लेते हैं गाजियाबाद में या साइड में कहीं लेते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में लेते हैं, उसी तरह ये भी डेवलप हो रहा है, इस लोकेशन को मेट्रो से भी कनेक्टिविटी किया जा चुका है, मतलब मेट्रो यहाँ तक आएगी एयरपोर्ट तक मेट्रो आएगी, तो ये सारा कुछ काफी मतलब अच्छा है। भीड़ देख रहे हैं भीड़ इतनी बड़ी भीड़, ये जब से मोदी जी यहाँ पे आके उद्घाटन किए यहाँ के शिलान्यास किए तब से यहाँ पे लोग जमीनों में इन्वेस्ट करने के दूर दूर सुबह से बड़े बड़े जहाँ पे लोग पैसे वाले लोग हैं, बताया जा रहा है 15 दिन में हमको लगता है 17-18 रुपए रेट बढ़ा है गज पे, पर गज जब से ये अनाउंस हुआ कि यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं उसके बाद से, और शिलान्यास हो गया उसके बाद से तो और धूम मचाई है, दूर फिलहाल यहाँ जमीन का रेट अभी लगभग 7700 से ना 7700 है अभी, जितना जल्दी आप चाहेंगे उतना जल्दी, अभी तो पुराना ही 7700 रुपया है और उसमें 1500 रुपया बड़ा है 3 दिन में जब मोदी जी आए थे, इससे पहले 6500 रुपया था, उससे पहले थोड़ा बहुत बड़ा था। फैसिलिटी ये भी है ना कि मतलब 30% में बुकिंग 40% अमाउंट आप दे रहे हैं तो रजिस्ट्री पोजीशन सब नीचे प्रोडक्ट से अपना बाउंड्री करा के गेट वेट लगा के बंद कर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर मेरे जॉब करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके घर बनवा सकते हैं, फिलहाल अगर बाहर से देख रहे हैं तो
बढ़िया मौका है इन्वेस्ट का, पैसे लगाएं और फिर 2024 में जब पहली उड़ान होगी यहाँ से एयरपोर्ट से, तब तक रेट काफ़ी हाई हो चुका है। बताया जा रहा है अनुमानतः 30,000-35,000 रुपये गर्व होने जा रहा है जब उड़ान। तो यहाँ मतलब समझ रहे हैं आप, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और इधर ही नज़दीक में फिल्म सिटी, नोएडा फिल्म सिटी जो बनने वाला है इधर ही है, इधर ये पास नहीं है। और इतना बड़ा साइट हम 1100 बीघा है, 1100 बीघा। इतना भीड़ है तो कुछ ना कुछ विश्वास वाली बात होगी, तभी इतना भीड़ हो रहा है। पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे ब्लॉग चैनल को विजिट करेंगे, कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ से घर बैठे प्लॉट बुक करके या आके विजिट करके देख के आप कैसे प्लॉट बुक कर सकते हैं। और वीडियो का इंतजार कीजिए, अभिषेक हमारे ब्लॉग चैनल पे आएगा। अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल को नहीं देखे हैं तो अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स के नाम से सर्च करें। फिलहाल आप गोपालगंज वाला यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए खोज खोज कर लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।